तो देखो यार, कल ही Z5 के ऊपर एक नई इंडियन मूवी को रिलीज किया गया है जिसका नाम है कड़क सिंह, जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं पंकज त्रिपाठी, साथ में आपको देखने को मिलती है संजना सांगी। तो अब ये मूवी किस तरीके से बन के निकली और क्या आपको इसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। With that being said, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है AK श्रीवास्तव नाम के एक आदमी को, प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में जिसके चक्कर में वो अपनी याददाश्त पूरी तरीके से खो चुका है और अब वो एक हॉस्पिटल में बैठा है जहाँ पे वो अपनी बेटी को पहचान नहीं रहा है, प्लेड बाय संजना सांगी। तो अब किस तरीके से उसकी बेटी जो है वो उसको कहानी बताती है कि क्या हुआ और वो वहाँ पे कैसे पहुँचा, और जो उसके रिलेशन है वो अपने बच्चों से ठीक नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब क्या हुआ है, किस तरीके से वहाँ पे पहुँचा है और क्या लिटरली उसने सुसाइड की या फिर कुछ अलग ही माजरा है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को चेक करना पड़ेगा जो कि आपको Z5 पे देखने को मिल जाएगी। और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं इतना बोलूँगा कि इट्स अ गुड मूवी। मतलब आप इससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना कि यार कमाल की मूवी बन के निकलेगी, ऐसा नहीं है, बट इट्स अ गुड मूवी। क्योंकि जिस तरीके के इवेंट्स होते हैं, जिस तरीके से आपके सामने ट्विशन टर्न्स खुलते हैं, इट वॉज रियली गुड। मतलब जिस तरीके से आप उम्मीदें लगाते हो कि हाँ ये होगा या ये होगा, वैसा नहीं होता है, बट कुछ अलग ही बन के निकलता है ये। तो अब बात करते हैं देखो इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। इस मूवी का पहला पॉजिटिव पार्ट है यार पंकज त्रिपाठी। मतलब लिटरली 90% मूवी के अंदर पंकज त्रिपाठी है, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, चाहे वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि अपनी याददाश्त भूल चुका है, चाहे वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, दोनों के दोनों टाइम पर जिस तरीके से उनकी एक्टिंग है और जिस तरीके के वो कलाकार हैं, मजा आ गया भाई। साथ में अगर बात करें सभी के सभी और भी सपोर्टिंग कास्ट के बारे में, चाहे आप बात करो संजना सांगी के बारे में या आप बात करो जिस तरीके से नैना का कैरेक्टर है, सब लोगों ने अपने काम को बढ़िया तरीके से प्ले किया है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इसकी स्टोरी, क्योंकि मूवी जो है वो डायरेक्टली आपको एक ऐसी कंडीशन में डालती है कि हाँ ये हो चुका है, और जिस तरीके से इसको बिल्डअप किया जा रहा है वो आपका इंटरेस्ट बनाता है कि हाँ यार मुझे जानना है कि हुआ क्या था एक्चुअली, मतलब मुद्दा है क्या। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से इसकी डायरेक्शन है, जिस तरीके से आपके सामने इवेंट्स को खोला गया है, वो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट बना के रखता है। और बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, देखो इस मूवी का जो प्रोडक्शन है मेरे को वो बढ़िया लगा। मतलब मेरे को देख के ऐसा फील नहीं आता कि यार पता नहीं उन्होंने पैसा लगाया कि नहीं लगाया, मतलब जिस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई गई हैं वो डेफिनेटली आपको देख के लगता है कि हाँ पैसा लगा है। तो अब बात करते हैं देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। तो इस मूवी का पहला नेगेटिव पार्ट होगा वो होगा इस मूवी की एंडिंग, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी की एंडिंग होती है, मैं बोलूँगा एक हैप्पी एंडिंग है, बट आपको कुछ भी एक ठोस सबूत नहीं मिलता कि ऐसा हुआ होगा। मतलब अनसेटिस्फाई एंडिंग मैं बोल सकता हूँ कि जो मैं उम्मीद लेके चल रहा था और जो एक्चुअल एंडिंग निकली, मैं बोलूँगा इट्स काइंड ऑफ वीक एंडिंग। मतलब जितना अच्छा बिल्डअप इन्होंने किया, कुछ बहुत तगड़ा ये लोग निकाल सकते थे, मुझे लगता है वो चीज़ मिसिंग थी। इसके बाद जो इस मूवी का अगला नेगेटिव पार्ट होगा देखो इस मूवी का विलन, क्योंकि आपको एंडिंग के सीन में समझ में आता है कि हाँ विलन कौन है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यार लाइक बहुत वीक सेंस के अंदर काम किया कि यार लिटरली एक बंदा जिसकी याददाश्त खोई हुई है वो तुक्के मार रहा है बैठ के, और वो तुक्के मारते मारते सामने वाले ऐसे फंसते हैं कि वैसे उनको लगता है यार ये तो बड़ा कमाल का बंदा है। मतलब कुछ तो एफर्ट आप मारो अपनी चीज़ को बचाने के लिए कि मैंने ऐसा नहीं किया या मैं गलत नहीं हूँ, ये आदमी पागल है, कुछ तो होता है, लेकिन ऐसा कुछ एफर्ट सामने से देखने को नहीं मिलता। तो डेफिनेटली वही बात आती है कि जो इसकी एंडिंग है, जो इसका क्लाइमैक्स है, मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। तो इन द एंड देखो आप लोगों से बस इतना बोलूँगा कि जो इस मूवी की एंडिंग है उसने मेरे को निराश किया, लेकिन जिस तरीके से इसका बिल्डअप था, जिस तरीके से ऑडियंस का इंटरेस्ट ये बना के रखती है, और जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी का काम हमेशा ही होता है, सब मामले में मूवी अच्छी है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये आप एक बार देख सकते हो, डेफिनेटली ये आपका टाइम डिजर्व करती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हाई उम्मीदें मत रखना, आप निराश हो सकते हो। इन द एंड देखो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 3/5 से। बाकी ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी कड़क सिंह। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई
तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।